सनसनी खोज हत्याकांड का मात्र 22 घंटे के अंदर खुलासा, अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस व मृतक का मोबाइल फोन बरामद, 2 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। गोंडा जनपद दिनांक 18/19/2021 को थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मरगूपुर रोहित पांडे की अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज को घटना का सफल अनावरण कर दोषी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए थे तथा 5 टीमें गठित कर स्वाट सर्विलांस को भी घटना के खुलासे के लिए लगाया गया था। संयुक्त टीमों द्वारा हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 2 आरोपी अभियुक्तों, पहला रंजीत मिश्रा पुत्र अंजनी मिश्रा, दूसरा गुरदयाल पासी पुत्र जगन्नाथ को बिस्लर टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अभियुक्त गढ़ों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कत्ल में उपयोग अवैध देशी तमंचा, 3 खोखा कारतूस व 1 मोबाइल फोन पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त गढ़ों ने कड़ाई से पूछताछ के दौरान रंजीत मिश्रा ने बताया कि उसकी साली से मृतक रोहित पांडे का पूर्व में प्रेम प्रसंग था। मृतक ने लड़की का शील वीडियो फोटो बना लिया था और वायरल करने की धमकी दे रहा था तथा शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि लड़की पक्ष शादी करने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर अभियुक्त रंजीत मिश्रा ने अपने साथी अभियुक्त गुरुदयाल पासी के साथ मिलकर रोहित पांडे की हत्या की योजना बनाई थी। योजना के तहत रंजीत मिश्रा ने दिनांक 18/11/2021 को फोन पर मृतक रोहित पांडे को मिला देखने के बहाने बुलाया था तथा रोहित पांडे को अपने साथी गुरुदयाल पासी के साथ लेकर पथरी बाजार मेला देखने गए थे। मेला से लौटते समय सुनसान स्थान देकर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने रोहित पांडे को गोली मार के हत्या कर दी थी तथा मृतक का मोबाइल फोन भी साथ लेकर चले गए थे। गठित टीमों द्वारा इस सनसनीखेज घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए मुखबर की सूचना व तकनीकी वीडियो से महज 22 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए मुखबर की सूचना व तकनीकी वीडियो से महज 22 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा उत्साहवर्धन हेतु टीमों को ₹25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जनपद गोंडा में थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत कल एक युवक की बॉडी मिली थी जिसमें गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया गया है। इस घटना में यह निकलकर आया है कि जो मृतक था रोहित पांडे, उसके जो मित्र थे रंजीत मिश्रा और पासी, इन्होंने ही यह हत्या की थी। जो मृतक है उसका, जो उसका मित्र था रंजीत मिश्रा, उसकी साली के साथ में प्रेम प्रसंग था और उसी के दौरान उसने एक वीडियो भी बना लिया था। वो जो मृतक था वो उससे शादी भी जबरदस्ती करना चाहता था और ना करवाने पे उसके वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। इसी पे 18 की रात्रि में रंजीत एवं पासी ने उसको बुलवाया था और मेला देखने के बहाने, और इन दोनों ने इसी बात पे उसकी बातचीत हुई और जब उसने मना कर दिया वीडियो देने से, डिलीट करने से, तो रंजीत और गुरदयाल पासी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, गोली मारी उसको और मौके पे ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में पुलिस ने पूछताछ टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर इसको वर्कआउट कर लिया है और उसके पास से जो मृतक है उसका मोबाइल वो ही बरामद कर लिया है और घटना में प्रयुक्त जो तमंचा है वो भी बरामद कर लिया है। इस तरीके से घटना का खुलासा सर्विलांस टीम, थाना उमरी बेगमगंज टीम और एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई में 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है। खुलासा करने वाली टीम को ₹25,000 इनाम भी दिया जा रहा है।